हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग लेके आई हूँ। ये आपकी यूजुअल जोडियक साइंस वाली जो रीडिंग मैं करती हूँ नेक्स्ट 10 डेज़ वाली, ये वैसी नहीं है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसमें आपको एक पाइल पिक करनी पड़ेगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ये जो रीडिंग है ये आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड है। आगे आने वाले फ्यूचर में करियर रिलेटेड क्या मूव्स होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग होने वाली है, क्या इश्यूज होने वाले हैं, आपके पैसे रिलेटेड, पैसा आने वाला है, पैसा जाने वाला है, सारी चीज़ें इस रीडिंग में हैं। अब आप पाइल 1, अगर आपका बर्थडे 1st to 10th ऑफ द मंथ में फॉल करता है तो आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे 11th to 20th में फॉल करता है तो आप पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे 21st to 31st में फॉल करता है तो आप पाइल 3 चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बर्थडे 1st पाइल में फॉल करता है 1 to 10 के बीच में, बट आप कनेक्ट 3rd पाइल से कर रहे हो, तो प्लीज़ 3rd पाइल पिक करो। जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, जैसे भी आप चाहते हो, क्रिस्टल्स के हिसाब से, रंग के हिसाब से, बर्थ डेट्स के हिसाब से, जैसे भी। मैंने आपके लिए बर्थ डेट्स सेग्रीगेट करके रख दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे टाइम स्टैम्प्स भी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं यूनिवर्स के पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मंथ और एस्ट्रल हाउस हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं टैरो कार्ड्स में क्या है। तो देखिए, पाइल 1 हमारे पास है 5 कार्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कप्स हैं, ठीक है। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो में से आप लोग कोई हो सकते हो, क्योंकि वाटर साइन है यहाँ पर। आप लोग एयर साइन भी हो सकते हो, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। आप लोग जजमेंट है क्योंकि, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। मुझे पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की ज़्यादा फील आ रही है। बट यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आपका जो जॉब है ना, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा नेटवर्किंग पसंद है, नेटवर्किंग, बाहर जाना, सेल्स जॉब भी हो सकती है ये एक, आप को या तो लोगों से बात करना बहुत पसंद है और उससे रिलेटेड आपकी कोई जॉब होगी आगे जाकर, मीडिया रिलेटेड हो सकती है, आप जब किसी को रिप्रेजेंट करते हो वो हो सकती है, सेल्स हो सकती है, फील्ड जॉब हो सकती है, रिपोर्टर हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग। जैसे सोशलाइजिंग मोस्टली हर जॉब में होता है, बट कई जॉब्स में ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर एचआर की कोई जॉब है तो उसमें कॉलिंग होती है, तो वो सोशलाइजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो सोशलाइजिंग होती है जब मिलना, उठना, बैठना, लोगों के संग खाना पीना, क्यों, जॉब के पर्पस से, ठीक है। तो एचआर की जो कॉलिंग होती है एम्प्लॉयज़ को, या कोल्ड कॉलिंग होती है एज अ कंसल्टेंट, वो सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दे रही हूँ कि आपकी जो जॉब होगी ना, उसमें सोशलाइजिंग बहुत होएगा, नेटवर्किंग बहुत होगी, जॉब के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। दूसरा हमारा है 8 ऑफ कप्स। अब 8 ऑफ कप्स यूजुअली जनरली क्या बताता है, थोड़ा सा आइसोलेशन बताता है, ठीक है, कि अकेलापन, अबैंडनमेंट, वैसी चीज़ें बताता है। बट यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है कि आप नेटवर्किंग तो कर रहे हो बहुत सारे लोगों से, बट आपका ना कोई कोई टीम नहीं है, आप अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हो, आप इनफैक्ट बर्डन फील कर रहे हो, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि कोई हो, टीम मेंबर होना चाहिए, बट आपको टीम मेंबर मिलेगा नहीं कोई, आप अकेले ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे होगे आगे जाकर, लोगों से मिलना, डील क्रैक करना, क्लाइंट्स को, कहते हैं ना, क्लाइंट्स का एग्रीमेंट साइन करवाना, उनको बैगिंग अ क्लाइंट, ये सारी चीज़ें आप अकेले ही कर रहे होगे। आपके आसपास कोई टीम एज सच दी नहीं जाएगी आपको, या तो देगा नहीं कोई, या फिर आप मांगोगे ही नहीं टीम, क्योंकि आपको खुद हैंडल करनी है सारी चीज़ें। बट मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत महसूस होगी कि कोई हो, मुझे टीम, मुझे सपोर्ट करने वाला,
बट वो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जस्टिस। अब जस्टिस हमें ए साइन है तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बैलेंस की चीज़ बताता है। आपकी जो भी जॉब होगी, करियर आपका, फाइनेंस पे भी आते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी आगे जाकर, क्योंकि या तो आपका लॉ रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, इंटरेक्शन आपके क्लाइंट से बहुत होता है, उठना बैठना बहुत पड़ता है लोगों के संग, डिनर पार्टीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो लॉ रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, हो सकता है आप पुलिस में हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी जॉब हो जहाँ पे आपको सोशलाइज बहुत करना पड़े। दूसरी चीज़, बैलेंस आपको प्लीज़ बना के रखना है अपने करियर में। आप मुझे जहाँ तक एटलीस्ट ये तीन कार्ड्स तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान दोगे, इतना ज़्यादा करियर पे ध्यान दोगे कि आप बैलेंस ही नहीं बना पाओगे एटलीस्ट अभी तक, थर्ड कार्ड तक। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आगे जाके आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, इतना बर्डन आने वाला है, आपके पास कोई हेल्प नहीं होगी। आप खुशी खुशी कर रहे होगे बट आपको बर्डन फील होगा, आपको लगेगा थकान सी महसूस होगी। तो इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आगे जाके, प्लीज़ बैलेंस बनाना। जब भी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये देखोगे रीडिंग उस टाइम के लिए होगी ये, बट हो सकता है आगे जाके आप एक हायर पोजीशन पे पहुंच जाओ, बट एक स्टार्टअप हो तो इसलिए आपको कोई टीम ना दी जाए, कोई भी कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, बट प्लीज़ बैलेंस बनाइएगा, अपनी तबीयत मत ख़राब करिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपकी हो सकता है कुछ, कई बारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, बहुत ज़्यादा थकान से भी इंसान की तबीयत ख़राब होती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास है जजमेंट। अब जजमेंट हमें क्या बताता है कि आप ना आगे जाकर फ्यूचर में ना आप पुराने आपके करियर डिसीजंस जो भी गलत हुए हैं, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, हो सकता है आपने कहीं पैसा लूज करा हो। देखिए जस्टिस है हमारे पास, बैलेंस, अगेन रिस्क अगर आप लेते हैं कोई भी, तो वो थोड़ा सा ना मॉडरेशन में लीजिएगा रिस्क। ये नहीं कि अरे क्रिप्टो है तो हमने तो ले लिया रिस्क और देखेंगे आगे जाके क्या होगा। थोड़ा सा मतलब इकट्ठा आप 10 लाख मत डालो, देखो पहले 50,000 डाल के देखो कि होता क्या है उस 50,000 के पैसे का। तो वो ना थोड़ा चीज़ें मॉडरेशन में करो। मुझे ऐसा लग रहा है ये मॉडरेशन में ना करने की वजह से आपको पैसे का भी नुकसान हो सकता है और आपको थकान भी हो सकती है, इमोशनल थकान एक होती है ना, वो हो सकती है। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा चीज़ों को करने में। दूसरा जजमेंट, आप अपने पास से रिलेटेड आपके जो भी डिसीजंस रहे हैं ना, जो भी आपकी चॉइसेस रही हैं, करियर चॉइसेस, आपने कोई जॉब चूज करी हो सकती है अपने पास्ट में। देखिए ये रीडिंग फ्यूचर के लिए है तो उस हिसाब से आप इसको इंटरप्रेट करिएगा। आगे आने वाले टाइम में आप अपने पास्ट के फ्यूचर, पास्ट के डिसीजंस को लेके सोचोगे कि यार मैंने वो क्यों लिया था डिसीजन, और आप उसको सोचोगे एंड साइमल्टेनियसली आप उसको लेट गो भी करोगे कि वो वाली जो जॉब थी ना उसने मुझे ये सिखाया, अब मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, ये करूँगी। तो आप उससे ना एक्सपीरियंस लोगे और आप एक नई चीज़ स्टार्ट करोगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना आप जॉब छोड़ोगे भी, मतलब ऐसे तो हर कोई जॉब छोड़ता ही है, बट आपका ना एक होता है ना कि ये वाली जॉब मुझे पसंद नहीं है तो क्या करूँ, अब मन मार के ये जॉब करूँ या छोड़ दूँ। आप छोड़ दोगे, आप लेट गो कर दोगे उस चीज़ को। आप पहले असेस करोगे सारी सिचुएशन क्या है मेरी, पर्सनल प्रोफेशनल, छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, एंड उसके बाद आप छोड़ दोगे, आप लेट गो करोगे इस चीज़ को प्रॉपरली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो करियर होगा ना, आपका एक तो जो करियर है उसमें बैलेंस नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अकेले ही आपको अपने आप को प्रूव करना है, अकेली एक सिंगल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ये, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर रोल बोलते हैं जिसको। दूसरी चीज़, फोर ऑफ कप्स। अब फोर ऑफ कप्स हमको बताता है कि यहाँ पे ना किसी चीज़, या तो आप मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस करोगे आगे जाकर, उसमें कुछ हो सकता है कि आपका करियर चेंज हो, कुछ शिफ्ट हो, या फिर आप किसी ऐसे एक इंसान से
थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकते हो, जो कि आपको कहते हैं ना, कई बार स्पिरिचुअल लोग आपको इतनी समझ दे देते हैं, इतनी बुद्धि दे देते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि ज़िंदगी जीनी कैसी है। तो हो सकता है वैसा भी कुछ यहाँ पे कोई आपको इतनी इंटेलिजेंस दे दे, आपको इतनी विजडम दे दे कि आपको समझ आ जाए कि आपको आपकी लाइफ के संग करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, आप शौक से कर रहे हो, अभी जो भी आप काम कर रहे हो वो आप शौक से कर रहे हो, बट वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये जॉब है तो कर रहे हैं। आपने ना अभी तक फिगर आउट नहीं करा है कि आपको पसंद क्या है। एक होता है ना इंसान का पैशन, जिसमें वो बिना थके काम करे, वो वाला पैशन आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा है। तो अभी आप लोगों से मिल रहे हो, मिलने के बावजूद आप थोड़ा अकेला फील कर रहे हो। करियर मैंने आपका बताया, आपका लॉ में हो सकता है, आपका मीडिया में हो सकता है। अगर होगा तो आपको थोड़ा सा मॉडरेशन बना के रखना पड़ेगा। स्ट्रगल लिखा है, हार्डवर्क लिखा है आपका। वैसा नहीं है कि कई लोगों की बहुत सिंपल लाइफ होती है, उनको बैठे बैठे पैसा मिल जाता है, यहाँ पे वो नहीं है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंस रिलेटेड भी आपका मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही तराजू होता है ना, ना मतलब इक्वल जैसे जब होता है तराजू, जैसे यहाँ पे दिखाया है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल इक्वल। आपका जो पैसा होगा ना वो आएगा और जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई खर्चा होगा बट उसके लिए पैसा नहीं होगा, उसके लिए पैसा होगा बट ऐसा भी नहीं होगा कि पैसा आए और वो सेव होता जाए होता जाए होता जाए, खर्चे रेडी रहेंगे आपके। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। अब आप निराश मत होइएगा, आप इसको इस तरीके से देखें कि मेरे जो भी खर्चे आएंगे, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स के लिए कि उन खर्चों के लिए मेरे पास पैसे होंगे। आप इसको इस तरीके से देखें, जब ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे तो पैसे और बढ़ना स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखते हैं टी लीफ डेक में क्या है हमारे पास। एस्ट्रल हाउस और मंथ कौन सा सिग्निफिकेंट है ये हम बाद में देखेंगे। ओके, हमारे पास है आई, योक, ईयर, एरो, क्लब। ओके, अब देखिए आई हमको बता रहा है साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मैंने आपको बोला कि आपने ना अभी तक फिगर आउट नहीं करा है कि आपको पसंद क्या है, और वो इसलिए फिगर आउट नहीं आप कर पाए हो क्योंकि आप अपने दिल की चीज़ जो होती है ना, एक इंट्यूशन, आप वो इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ना थोड़ा सा अपनी दिल की सुनो। अगर आपका दिल आपको बोल रहा है कि यार तेरे को लोगों से बातें करना बड़ा पसंद है, यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल लेता है तू, तो सुनो आप अपने दिल की। या अगर आपका दिल आपको बोल रहा है कि यार तुम इतनी बकवास करते हो, इतना हंसाते हो लोगों को, कॉमेडियन बनने का ट्राई करो, तो सुनो अपने दिल की। रैंडम एग्जाम्पल्स हैं बट प्लीज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये तो बहुत स्ट्रांग मैसेज है। योक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, टाइड डाउन, बंधे हुए महसूस कर रहे हैं आप। मैंने आपको बोला आप काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत लगन से अच्छे से कर रहे हैं, बट आप किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको करना कुछ और है। मुझे यहाँ पे ना, मुझे ऐसी फील आ नहीं रही है कि आप उस काम में मेहनत लगा रहे हो, उस काम में एफर्ट डाल रहे हो जो कि आपको करना है, जो कि आप अगले 40-50 साल तक कर पाओगे। मुझे वो वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं आ रही है। थर्ड कार्ड है योर गुड न्यूज़। देखिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है आपका कोई करियर शिफ्ट होने वाला हो, हो सकता है ये रीडिंग देख के आप अपने दिल की सुने, आप कोई कहीं पे कोई प्रॉपर जगह पे इंटरव्यू देने जाए, जो आपकी फेवरेट कंपनी हो, फेवरेट जॉब प्रोफाइल हो, फेवरेट बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट गुड न्यूज़ आपको आने वाली है रिगार्डिंग योर करियर एंड योर मनी। क्योंकि देखिए जब आप अपने मन की सुनोगे ना, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी रीडिंग में या आपकी लाइफ में पैसा नहीं लिखा, पैसा लिखा है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो अपना, थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करो। गुड न्यूज़ लिखी है बट अगर कोई भी न्यूज़, अच्छी न्यूज़ भी आपको गुड ना लगे और आप उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढो, तो उसमें तो यूनिवर्स क्या कर सकता है ना।
तो अच्छी चीजें होने वाली है, आप बस अच्छी चीजों को अच्छा देखो, वैसी वाली चीज है। फोर्थ कार्ड है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। पाइल वन, मैं आपको बता रही हूं, आप बस अपने देखिए, एक एक प्लान है यूनिवर्स का यहाँ पे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, जो भी चेन्स में आप बंधे हुए हैं उनको तोड़िए। जैसे ही तोड़ेंगे एक गुड न्यूज़ आएगी, और तब आप जो भी गुड न्यूज़ आएगी, जो भी आप पाथ पकड़ोगे वो सही पाथ होगा। दैट विल बी द राइट पाथ। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। क्लब, ये हमारा लास्ट कार्ड है। यूनिवर्स ना आपको टेस्ट करता है, यूनिवर्स आपको आपकी इच्छा की चीज़ देगा, बट फिर ना ऐसे कुछ ऐसे गुगली सी फेंकेगा कि देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि ये ल्योर होता है कि नहीं होता है, ये इसको मैं फंसा पाता हूँ या नहीं। तो हो सकता है आप अपना, आप म्यूजिशियन हो, आपको म्यूजिक बनाना पसंद हो, आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ये सब आपने सुना मेरी पूरी रीडिंग, और आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी ल्यूक्रेटिव एकदम जॉब ऑफर आ गया, क्या करोगे आप? समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो आपका मन नहीं है, बट आप फिर भी दो माइंड्स में होगे कि ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। उस टाइम पे आपको क्या करना है, वापस साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो आपका दिल बोले वो करें। क्योंकि देखिए, करियर ना आपका बहुत अच्छा लिखा है, करियर आपका बहुत अच्छा होगा, पैसे भी आएंगे, पैसे थोड़े से स्लो हैं, धीरे धीरे आएंगे बट आएंगे। बट उसके लिए ना आप अपनी, अगर मन की चीज़ करोगे, अपनी इच्छा की चीज़ करोगे, अपना पैशन फॉलो करोगे, तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी, वैसे नहीं बढ़ेगी। तो यू आर ऑन द राइट पाथ ओनली इफ यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, नॉट अदरवाइज। इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आगे की चार कार्ड तो बेमतलब है। अब देखते हैं एस्ट्रल हाउस में हमारे पास क्या है। वेल्थ, पाइल वन, मंथ कौन सा है, जून, यही मंथ, दिस मंथ, वाओ। तो अब देखिए, अगर आप ये रीडिंग बाद में देख रहे हैं, जून के किसी और महीने में देख रहे हैं, तो भी जून आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ है। अगर आप जून मंथ में देख रहे हैं तो भी जून आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ है। तो देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे यूनिवर्स का, अपनी इंट्यूशन फॉलो करें, जो आपकी इच्छा होती है करियर चॉइस में, एक जॉब चॉइस में, प्लीज़ वो फॉलो करें, पैसा अपने आप आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, वेल्थ आपका लिखा है, ऐसा नहीं है कि आपके कहते हैं ना, आपकी डेस्टिनी में या आपकी लाइफ में पैसा नहीं लिखा है, पैसा लिखा है, बट उससे पहले की चीज़ें अगर वैसी होंगी जो यूनिवर्स ने प्लान करी है, तभी तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज चीज़ें डीले होती जाएंगी। तो प्लीज़ अपना, अगर आप किसी भी चीज़ में, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, अगर आप योगा में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी माइंडफुलनेस, कोई आप रिट्रीट खोलना चाहते हैं, आप कोई अपना कैंपिंग खोलना चाहते हैं, एनीथिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, प्लीज़ वो करिए, ठीक है? जब वो करेंगे तो ये पैसा होगा। जून मंथ बहुत सिग्निफिकेंट है, हो सकता है आप जून मंथ में कोई जॉब छोड़ो, या नई जॉब ज्वाइन करो, या अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप खोलो, एनीथिंग। देखते हैं चार्म्स में से अब क्या है हमारे पास। यूनिवर्स प्लीज बताएं चार्म्स में क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल वन। ओके, देखिए हमारे पास है सन, ठीक है, सन है, फिर लेटर एस है, फिर लेटर यू है, फिर लेटर वी है, SUV। अब देखिए, आप में से कोई लोग हो सकता है SUV के शौकीन हो, SUV कार्स के, कोई नई कार आपने खरीदी हो, खरीदने का प्लान कर रहे हो, या आपके पार्टनर खरीदने का प्लान कर रहे हो, जैसा भी है, SUV यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। या तो S लेटर, U लेटर और V, ये सेपरेटली बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपका नाम स्टार्ट हो सकता है इससे, या आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे अस दिख रहा है, US। अब या तो ये US हो सकता है, आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, कहीं बाहर जॉब लगने वाली है, या फिर कोई पार्टनरशिप होने वाली जिसमें आप और एक और इंसान हो, और आप दोनों मिलके एक कोई कंपनी स्टार्ट करो, जिसमें आप, एक होता है ना, एक आय वाली फीलिंग ना हो, अस वाली फीलिंग हो। दूसरा सन है,
तो आपका एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइन भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, स्पेशली लियो, बिकॉज लियो का रूलिंग प्लैनेट सन होता है. तो अब आप देखिए कि ये चीज़ रेजोनेट कर रही है आपसे या नहीं, बट मोर और लेस यही साइंस थे, मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाइल वन. अगर आपको पसंद आई रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी फैमिली का, मुझे अच्छा लगेगा. थैंक यू, बाय. तो ये है आपकी पाइल टू. जिन्होंने भी ये पाइल चुनी है, आइए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मंथ्स और एस्ट्रल हाउस हम लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं टैरो कार्ड्स में क्या है हमारे पास. ओके ओके वाओ ओके. तो पाइल टू देखिए, हमारे पास फाइव टैरो कार्ड्स हैं. पहला है डेथ, देन टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देन हायरोफांट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. अब हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, हमारे पास टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी है. एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ रीडिंग स्टार्ट होने में, ठीक है. अब देखिए, करियर और फाइनेंस रिलेटेड मैं मिक्स बताऊँगी आपको. डेथ कार्ड जो है यहाँ पे, वो ऑफकोर्स वो एक ट्रांजिशन नहीं बताता है कि कोई किसी की डेथ हो रही है, नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है. डेथ कार्ड हमें बताता है कि एक बहुत ही सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आप या तो अपना बिल्कुल फील चेंज कर रहे हो, और फील चेंज भी ऐसा नहीं कि एचआर से एडमिन, नहीं, या एक होता है ना सिमिलर फील्स, नहीं, आप बिल्कुल ड्रास्टिकली आपका फील चेंज होने वाला है. और उस वजह से क्या हो रहा है कि आप ना टू माइंड्स में हो, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मैं फील चूज करूं या नहीं करूं, ये मैं चेंज करूं या नहीं करूं, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस हैं. सेम आप जिस जॉब में हो, जिस फील्ड में हो, वहां पे रहने का या फिर चेंज करने का. अब देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे. हो सकता है आपके पास जॉब ऑफर हो, या हो सकता है आप करियर फील्ड जो है वो आप चेंज करने वाले हो. तो अब आपके पास जो भी ऑप्शन है, आपको पिक करना है, आपको चूज करना है कि आप कौन सी चीज़ आपके आगे फ्यूचर के लिए बेहतर है. आपको फील्ड चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको जॉब स्विच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. क्योंकि देखिए, हमारे पास ना आगे आने वाले कार्ड्स में मेंटल क्लैरिटी है. तो हो सकता है जब भी आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे या उसके बाद प्लस माइनस फ्यू डेज, 10 डेज समथिंग, आप की जो थिंकिंग है ना उसमें क्लैरिटी ना हो, आप कंफ्यूज्ड हो, इनडिसाइसिव हो. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है 10 दिन नहीं तो 20-25 दिन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे 20-25 डेज के अंदर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको करना क्या है, और आप अपनी चीज़ चूज कर लोगे. और वो चूज करने के बाद हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स. फोर ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताता है? सेलिब्रेशन, हॉलीडे. कहते हैं ना, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में एंटर करना. तो यहाँ पे जो हो सकता है वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप ये भी हो सकता है कि आप किसी किसी पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो. आप किसी एक अपने बॉस, कोई नया बॉस है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी. कई टॉक्सिक बॉस होते हैं, कई हेल्दी बॉस होते हैं. तो आपका ये जो नया रिलेशनशिप है विद योर बॉस, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्मोनियस. आप बहुत ही कहते हैं ना, बहुत चिल मार के रहोगे अपने इस बॉस के संग, कोई टेंशन नहीं होने वाली है. बट उससे पहले आपको डिसाइड ज़रूर करना है कि ये चेंज जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, करियर चेंज, फील्ड चेंज, जॉब चेंज, जिस भी रिस्पेक्ट में है, ये आपको करना है या नहीं करना है. उसी रिगार्डिंग हमारे पास मेंटल क्लैरिटी का भी कार्ड है. हालांकि देखिए, सक्सेस है आपके पास, सक्सेस है, विक्ट्री है, चीज़ें आगे जाकर ठीक हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी. वैसे भी कौन सी चीज़ परमानेंट रहती है? टेम्प्ररी होती है सारी चीज़ें, तो जैसे आती हैं वैसे चली भी जाती हैं टेम्प्ररी सिचुएशंस. तो ये जो इनडिसाइसिवनेस है ये भी आपकी चली जाएगी. हमारे पास है देखिए हायरोफांट. अब हायरोफांट हमको क्या बताता है, देखिए कार्ड देखिए पहले. अब हायरोफांट हमको क्या बताता है कि ना, आपका कोई, या तो आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है. आप किसी कहते हैं ना, लोग आजकल गुरुजी कोई होते हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं, या
लोग अदरवाइज भी स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में बहुत मानते हैं, तो आपका थोड़ा सा इंक्लिनेशन होने वाला है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और हो सकता है वो जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहते हैं ना, एक जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि ये चीज़ है क्या, या कोई आपको नॉलेज दे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन भी है हमारे पास, तो आप ना कुछ ऐसा पढ़ना स्टार्ट करोगे, या तो आप अपने हायर एजुकेशन के लिए जाओगे काम के साथ साथ, ठीक है, काम के साथ साथ आप पढ़ाई करोगे, उसी चीज़ को लेके भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर आपका ये जो एजुकेशन है ये मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड दिख रहा है, कि आप थोड़ा सीख रहे हो कि ये स्पिरिचुअलिटी होता किस किस बला का नाम है, क्या होता है, मैं भी सीखूं, और उसके बाद आपको आएगी मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि देखिए पहले है हमारे पास हायरोफांट स्पिरिचुअलिटी का कार्ड, उसके बाद है मेंटल क्लैरिटी, तो मेंटल क्लैरिटी तो आपको आएगी, सूझबूझ समझ सब आपको आएगी, बट उससे पहले आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा आकर्षित होगे, इंक्लाइंड होगे, सेलिब्रेशन भी लिखी है, तो ऑन द होल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना टीचर का काम हो सकता है, प्रोफेसर का काम हो सकता है, आपका कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड काम हो सकता है, सिक्योरिटी की कंपनी में कई ऐप्स होती हैं, जैसे आजकल हमारी सोसाइटी की जो गेट पे सिक्योरिटी होती है उनकी ऐप्स होती हैं, उस ऐप की भी एक कंपनी होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे जो लोग गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, या सिक्योरिटी कैमरास जो होते हैं, डिवाइसेस जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, मे बी कोई बॉडीगार्ड या वैसे सिक्योरिटी वाली कंपनी में आप काम करते हो, बट आप सेफ रखते हो लोगों को किसी तरीके से, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अब वो सेफ फिजिकली ना रख कर, हो सकता आप इमोशनली भी किसी को सेफ रखते हो, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो और अगर आप लोगों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताते हो, अगर आप साइकिक हो फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताते हो, तो भी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि इंसान सेफ रहे, आने वाले दुख से बचे, आने वाले पीड़ा से बचे, तो देन ऑल्सो सिक्योरिटी, तो वो उस हिसाब से है। थोड़ा देखिए आपका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि उसमें ना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है मुझे, आपकी दूसरों को दिक्कतों से बचाने वाली जो जॉब्स होती है ना, दूसरों का काम आसान करना, दूसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, वो काम में आपकी बरकत बहुत है, तो हाँ वैसा सा है। दूसरा आपके लिए ना swords, तो यहाँ पर आपके लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप हो सकते हो, आपका पार्टनर हो सकता है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो अब आप देखिए कि आपका साइन है या आपके पार्टनर का साइन है, बट अब हम देखते हैं कि टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है। ओके तो देखिए हमारे पास है हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, कोई छोटी सी तो जर्नी आपके होने वाली है, क्योंकि हमारे पास हॉलीडे भी आया था फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो अब आप ये काम के सिलसिले में ट्रैवल करने वाले हैं, या ये ट्रैवल करेंगे वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी का आप सीखेंगे, हो सकता है आप किसी रिट्रीट पे जा रहे हो, रिट्रीट पे जाओगे तो आप किसी को मिलो, वो आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताए, और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। डॉग बार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, अब वो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, हो सकता है आप अपने एस्ट्रोलॉजर को एक दोस्त मानते हो, आप उसकी एडवाइस मानो, बट आपको एक कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसान, दोस्त मुताबिक इंसान आपको सलाह तो देगा कि भाई तुमको करना क्या चाहिए आपके करियर रिलेटेड। ये जो आप कन्फ्यूज्ड हो ना कि दो चॉइसेस में से मैं क्या चुनूं, ये क्लैरिटी जो है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो धकेल रहा है इंसान, मेंटल क्लैरिटी जो दे रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दोस्त होगा। डोर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, पाइल टू चीज़ें तो रेडी हैं आपके लिए, ठीक है, चीज़ें रेडी हैं आपके लिए, सेलिब्रेशन का कार्ड है, मेंटल क्लैरिटी का कार्ड है, यूनिवर्स ने, भगवान ने, क्रिएटर ने सारी चीज़ें ना इकट्ठे करके एक जगह रखी हुई हैं, कि पाइल टू आप जब भी आओगे देखो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करी हुई हैं,
बस आपके आने की देर है। तो आप जो हो ना अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन में अटके हो, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। जो भी दिक्कतें थी, अगर आपको लग रहा है कि यार लाइफ कितनी कितनी प्रॉब्लमेटिक है, आपकी जो मेजर दिक्कत है ना वो ख़त्म हो चुकी है, तो प्लीज़ थोड़े से ग्रेटफुल हो आप यूनिवर्स की तरफ कि मेरी इंक्रीमेंट की प्रॉब्लम, अप्रेजल की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, जैसा भी है वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। मेरी लाइफ में जितना भी मुझे बिना पैसे के रहना था, मेरे को बिना जॉब के रहना था मुझे, या मुझे बॉस का कहते हैं ना बॉस के पीछे पीछे घूमना था, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में से ख़त्म हो गई हैं। अभी छोटी छोटी दिक्कतें होंगी, नॉर्मल दिक्कतें होंगी, बट मेजर वाली ख़त्म हो गई है। राम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का, अगर आप रिजिड रहोगे अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, अपनी आदतों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे और आप ये नहीं देखोगे कि यार ये नई चीज़ है, इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर आप ऐसे रहोगे कि नहीं यही जॉब है, यही है, छोड़ के मैं जाऊँगा कहाँ, कहीं और नहीं मिली तो, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, अगर आप ऐसे रिजिड रहोगे ना तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो आपका जो थोड़ा सा स्टबर्ननेस है, ज़िद जो आपकी है कि मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, या आपका अग्रेसिवनेस जो है वो थोड़ा सा लेट गो करो आप, क्योंकि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डेथ वाली जो स्टेज है ना, इससे गो थ्रू करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करना, सही चॉइस को चूज करना। तो अपनी स्टबर्ननेस को, अपनी अग्रेसिवनेस को जा लेने दो, जब तक जाएगा नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, ये सारी चीज़ें आएंगी कैसे, डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर, वो ओवर वाला फेज़ आएगा कैसे जब तक बुरी चीज़ों को जाने नहीं दोगे आप, जाने दो। देखते हैं एस्ट्रल हाउस में हमारे पास क्या है। करियर, वाओ, मंथ अगस्त आ ही गया, अब तो बहुत दूर तो नहीं है, पता लगा जून आ गया, नहीं पता लगा, वैसे ही अभी अगस्त भी आ जाएगा। देखिए ये रीडिंग आपकी वैसे भी ये करियर रिलेटेड थी, करियर और फाइनेंस रिलेटेड, अब तो और ज़्यादा श्योर हो गया यूनिवर्स की तरफ से कि ये करियर रिलेटेड ही है। जो भी आप चूज़ करते हैं करियर में, प्लीज़ क्लैरिटी के साथ चूज़ करें, ठीक है, अपना ये देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अब अगले 40 साल तक कर पाओगे खुशी खुशी, मन मार के नहीं, ठीक है, तबीयत नहीं ख़राब करनी है हमने अपनी, राइट। तो करियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है पाई टू, आपको ना बस थोड़ा सा वो जो चेंज है ना, जो आप स्टक से हो, थोड़े से रिजिड हो के स्टबन हो कि ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप, वो थोड़ा सा आप बाहर निकल आओ। देखते हैं चार्म्स में हमारे पास क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, देखिए एक है हमारे पास हार्ट, दूसरा है हमारे पास आउल, फिर है हमारे पास स्कॉर्पियो, और एक है हमारे पास शैम्पेन। शैम्पेन, फोर ऑफ वॉन्स, सेलिब्रेशन, करियर, फिर है हमारे पास आउल, वेल्थ, करियर भी आपका अच्छा होगा, पैसा भी आपके पास आएगा, सब तो आ रहा है आपके पास पाइल टू। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कप साइन, कोई स्कॉर्पियो आपका सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी लाइफ में किसी तरीके से। दूसरा मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप एक एनिमल लवर हो, आपको कोई एनिमल शेल्टर खोलना हो, एनिमल्स को बचाना हो, कोई उससे रिलेटेड आपको काम खोलना हो बट आप खोल नहीं पा रहे हो, वैसा भी कुछ हो सकता है। फर्स्ट स्टेप ले लो, सब हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप ले लो। स्कॉर्पियो, आउल, शैम्पेन, हार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि यहाँ पे ना हार्ट के अंदर फूल है, फूल का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कली से फूल बनना, ट्रांसफॉर्म करना, डेथ है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन, हार्ट के अंदर फूल है, मतलब आपका जो दिल है ना आपका, आप अंदरूनी लेवल पे, इनर लेवल पे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सिर्फ आउटर लेवल पे नहीं, आपका अंदरूनी जो है ना दिल, वो चेंज हो रहा है, आपने अपने दिल की सुननी स्टार्ट कर दी है पाइल टू, विच इज़ सो नाइस, सो ब्यूटिफुल।
तो मोर और लेस यही मैसेजेस हैं मेरे पास पाइल टू आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का, मुझे अच्छा लगेगा. थैंक यू, बाय. जिन्होंने भी पाइल थ्री चूज़ करा है, आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. मंथ और एस्ट्रल हाउस के जो कार्ड्स हैं वो हम लास्ट में देखेंगे. पहले हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स में से हमारे पास क्या है. ओके, तो देखिए पाइल थ्री हमारे पास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं आपके लिए. ठीक है, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स. अब देखिए आपकी लाइफ में ना आप किसी तरीके के ना, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ करियर और फाइनेंस रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे कोई भी और एस्पेक्ट बीच में नहीं लाऊंगी. हालांकि मुझे दिख रहे हैं लव रिलेटेड चीज़ें, बट मैं वो चीज़ें अभी यहाँ पे मिक्स नहीं करूँगी. देखिए आपका कोई तो पार्टनरशिप होने वाली है, कोई आप बिजनेस में एंटर करने वाले हो. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके प्लस माइनस फ्यू डेज, आई थिंक विदिन वन मंथ और सो आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर करोगे, या दो लोग साथ में मिलके कोई प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, कोई टीम हो सकती है, बट आप किसी के साथ हो रहे हो. ठीक है, कोई पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो आप. दूसरा टेन ऑफ वॉन्स, बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है. ठीक है, बट आप उसको हैप्पीली निभा रहे हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को. ऐसा कुछ नहीं है कि आप को ये बर्डन ना मनचाहा चीज़ नहीं है, आपको लग रहा है यार ये क्या दे दिया, मेरे सर पे डाल दिया इन लोगों ने. आप उसको आपने ना एक चैलेंज की तरह लिया है और आप उस चीज़ को कर रहे हो, बाखूबी निभा रहे हो आप उस चीज़ को. दूसरा यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स है तो आप ना अपना टैलेंट भी दिखा रहे हो, आपके टैलेंट रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है यहाँ पर. क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास टेन ऑफ कप्स है, हैप्पीनेस, फैमिली, आपकी फैमिली खुश है, आप खुश हो. टेन, एक और टेन, टेन ऑफ वॉन्ट्स, टेन ऑफ कप्स, तो मेहनत भी है, खुशियाँ भी है, टैलेंट भी आप दिखा रहे हो, पार्टनरशिप भी हो रही है. तो मुझे ऐसी फील आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि आपका ये जो टैलेंट है ना, जो स्किल है, लेट्स से अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आप अगर बोलने वाले इंसान हो जो कि ऑन कैमरा बैठोगे, तो आप किसी के संग पार्टनरशिप में जाओगे जो इंसान एडिटिंग करेगा वीडियोस की, जो कैमरा लाइटिंग सेटअप ये चीज़ें देखेगा. तो दो लोगों की टीम होगी, वो एक ऑन कैमरा होगा, एक ऑफ कैमरा होगा. मेहनत दोनों इक्वली करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टैलेंट ना आप दिखाने वाले हो अपना, आप अपनी दुनिया को बताने वाले हो कि आपके अंदर, हो सकता है ये एक साइड जॉब भी हो, आपकी मेन जॉब कुछ हो, ये एक साइड हसल हो आपका, आपको किसी चीज़ की बहुत नॉलेज हो और आप सोचो कि यार मैं ये दुनिया से नॉलेज बांटता हूँ, थोड़ा बताता हूँ लोगों को, या आप कोई म्यूजिशियन हो, या आप सिंगर हो, कोई और धुन बनाता है, आप गाते हो, टीम, पार्टनरशिप, वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. दो टेन है तो कोई तो चीज़ एंड हो रही है और कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है. हो सकता है आप दोनों लोग ना अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जॉब्स छोड़ दो और आप बात कर रहे हो एक दूसरे से और आप बोलो कि यार मज़ा नहीं आ रहा जॉब में, सुन तू गाने बनाता है, मैं गाने गाता हूँ, करें क्या, ट्राई करें क्या एक यूट्यूब चैनल, वैसी सी कोई वाइब आ रही है. यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई और भी, आजकल मैंने इतने इतने सारे स्टार्टअप्स होते देखे हैं लोगों को. दो डॉटर्स हैं, आई थिंक गुजरात में हैं, दो डॉटर्स हैं और उनकी मदर हैं, उन तीनों ने फैब्रिक का, कपड़े, डिज़ाइनर क्लोथ्स का एक कोई बिजनेस स्टार्ट करा है. इतने प्यारे कपड़े बनाते हैं वो तीनों मिलकर, एंड लाइक इट इज़ सो ब्यूटिफुल ये चीज़ कि आप अपनी अपनी जॉब्स में थे, मम्मी आपके घर में काम कर रही थी, घर में बर्नी में अचार बनाती थी वो और कपड़े भी करती थी, बट देन अब वो ब्रांड, वो इतना लेबल फेमस हो गया है इंस्टाग्राम पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे. हो सकता है आपका भी ये चीज़ हो जाए, ट्राई करोगे तो पता लगेगा ना. क्योंकि हमारे पास देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमको बताता है कि आप ना बहुत क्लियरली सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप
तुक्के मार रहे हो कि यार चल करके देखते हैं. आपने प्लानिंग करी है, आपने प्रॉपरली चीज़ें सोची हैं, क्लियरली आपने, आपको मेंटल क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में करना क्या है. तो आगे जाके ना आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, क्योंकि देखिए मेंटल क्लैरिटी बहुत है. ठीक है, आपको और आपके इस इंसान को, दो लोग जो भी पार्टनरशिप है ये, आप दोनों एक एज अ टीम इतने स्ट्रांग होने वाले हो ना, क्योंकि आप किंग ऑफ सोर्ड्स को देखिए तो सही, इतने इंटेलेक्चुअल टीम होने वाली है ये, इतनी स्ट्रांग टीम होने वाली है कि कोई चाह के भी इसको कंपीट नहीं कर पाएगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा. बहुत ही स्ट्रांग टीम होने वाली आपकी और आपके इंसान की. अब सन साइंस पे अगर बात करें, देखिए सारे ही प्रेजेंट हैं यहाँ पे सन साइंस, तो मैं आपको क्या मिसलीड क्या करूँ. यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है. ये जो इंसान हो सकता है आप या आपके जो दूसरे पार्टनर है, ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस. हाँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस या तो आपका सन साइन होगा या मून साइन होगा, एंड आपका होगा पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन साइन या मून साइन. तो दोनों में से आप देखिएगा कैसे होता है. बट अपना टैलेंट जो ये छुपाया हुआ है आपने, ये प्लीज़ निकालो. साइड हसल ही करो चाहे, बट निकालो बाहर. मैं आपको बता रही हूँ, आप फेमस होगे. ठीक है, अभी देखते हैं एस्ट्रल हाउस, नहीं सॉरी, टीली फॉर्च्यून डेक में से हमारे पास क्या है. सनराइज, ट्री, स्पियर, टारगेट, सी हॉर्स. सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट. कभी कभी मैं अपनी ही इंट्यूशन और अपनी ही रीडिंग से हैरान हो जाती हूँ. देखिए मैंने आपको बोला फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, न्यू वेंचर. लोगों ने इतने बिजनेस खोले हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, सारे तरीके के न्यू क्रिएटिव आइडियाज़. तो कुछ सोचिए, करिए. जब भी रीडिंग देख रहे हैं आप, ये सोचना स्टार्ट करिए. आपका बहुत कहते हैं ना, बहुत आगे जाएंगे आप अगर क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ करेंगे, स्पेशली पार्टनरशिप में आकर. काम बहुत करना होगा. देखिए काम से कोई भागना नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो वेंचर है, वेंचर में आपको वैसे ही सारी चीज़ें प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, स्क्रैच से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी होती हैं, तो वैसे ही हार्डवर्क इनटू 10 टाइम्स हो जाता है. ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली. देखिए हमारे पास ट्री है और हमारे पास सी हॉर्स है. सी हॉर्स में भी लिखा है फैमिली मैटर्स, ट्री में भी लिखा है अफेयर्स विद योर फैमिली. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जो भी आप काम स्टार्ट करोगे ना, थोड़ा सा या तो आपकी फैमिली इसमें आपके अगेंस्ट होगी या फॉर होगी. मुझे फॉर होती, एक्चुअली फॉर भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, हैप्पीनेस और फैमिली का कार्ड है. तो हो सकता है फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में. अफेयर्स विद योर फैमिली, हो सकता है फैमिली ने आपको पैसे प्रोवाइड करे हों कि बेटा इससे स्टार्ट कर लो अपना बिजनेस, ये लो 1,50,000, आई डोंट नो. बट फैमिली मैटर्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो करीबी लोग हैं ना, अपनी जो फैमिली है आपकी, उनको अपने पास रखिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएंगे. इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको इस टाइम पे, ये वेंचर के टाइम पे ना, आपको बहुत मिलेगा आपकी फैमिली से. तो फैमिली मैटर्स, अफेयर्स विद योर फैमिली, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए फैमिली किस चीज़ से गो थ्रू कर रही है, उनके संग बनाए रखें, सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से. स्पियर, हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव. देखिए कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके पास पहले थी बट अब नहीं है. वैसे तो ये लव की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बट क्योंकि अगेन ये करियर और फाइनेंस रीडिंग है, तो मैं ये लव के पास नहीं लेके जाऊंगी. मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपके पास, आप जो भी जॉब कर रहे हो अभी करंटली, या जिस भी, जहाँ से भी आपका एक फाइनेंशियल इनकम आ रहा है, वो बहुत स्टेबल है. अगर आप ये वेंचर में जाओगे ना, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, 31 को जो मैसेज आता है मनी क्रेडिटेड का, वो चली जाएगी. तो आप उसको लेके ना थोड़े से टेंस्ड हो, थोड़े से एंग्शियस हो, सैड हो,
हर्ट फील कर रहे हो कि यार पैसा तो 31 का पैसा नहीं आ रहा है, बाकी सब तो ठीक है, वो 31 को मैसेज नहीं आता है तो रेंट कैसे दें, खाएं कैसे, पैसे हैं बट एक रेगुलर इनकम होती है ना, वो चीज़ मिसिंग है। तो मेरे ख्याल से आप उस चीज़ का दुख मना रहे हो, बट यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि पॉइंट क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आप दुख मना के करोगे क्या? आप चेंज कर लोगे सिचुएशन को? नहीं। आपके पास पैसा आ जाएगा, 31 वाला मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। तो आप कर क्या लोगे उस चीज़ को बार बार सोच के कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है और ये चीज़ मेरे पास हुआ करती थी, थी अब कुछ और है, जो है उस पर फोकस करें। बहुत कम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं, बहुत कम लोग ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि उन्होंने कि वो बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होएं यूनिवर्स की तरफ। टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। देखिए अगर आप नहीं हैं तो आगे बनना तो पड़ेगा आपको गोल ओरिएंटेड, क्योंकि आपका बिजनेस है, वेंचर है, बिना गोल्स के तो नहीं होता है वेंचर कंप्लीट। मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, हाफ ईयरली, ईयरली, एनुअल, जैसा भी, 5 ईयरली गोल, बट आपको गोल ओरिएंटेड इंसान बनना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बन जाए, अगर हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बट हाँ, ये एक चीज़ है यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं एस्ट्रल हाउस, सक्सेस। आपका ये जो भी वेंचर है, जो भी आप अपना काम स्टार्ट करोगे, ये सक्सेसफुल होने वाला है। आपको करना क्या है अभी? सिर्फ एक चीज़ करनी है, स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, मेहनत करोगे, लगन दिखाओगे, अपना ये टैलेंट, ये स्किल, जो भी ये काम है, ये जब दिखाओगे, फैमिली को टाइम दोगे, सारी चीज़ें, अपने आप सक्सेस आ ही जाएगा। हो सकता है आप सोचो कि 6 महीने में सक्सेस मिल जाए, 6 महीने में ना मिले, साल भर में मिल जाए, 14 महीने में मिलेगा, मिलेगा, कहाँ जाएगा सक्सेस, ठीक है। मंथ कौन सा इम्पॉर्टेंट है? सितंबर। देखिए अभी हम 6 महीने, 14 महीने की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो सितंबर ही है। हो सकता है अगर आप ये रीडिंग सितंबर से पहले देख रहे हैं तो सितंबर मंथ हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। अगर आप सितंबर के बाद देख रहे हैं रीडिंग तो अगले साल वाला सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब आप देखिए कौन सी चीज़ कैसे रेजोनेट कर रही है, बट सितंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। हो सकता है आप कोई डील क्रैक करें सितंबर में, आपको अपना पहला कोई प्रोजेक्ट से, जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट होते हैं ना, आपके वेंचर का प्रोजेक्ट, कोई म्यूज़िक गिग हो गई, उसका पहला प्रोजेक्ट आपको सितंबर में मिले, तो वो अब आप देखिए कि कैसे क्या रेजोनेट कर रहा है। देखते हैं चार्म्स में हमारे पास क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं चार्म्स में क्या है। ओके। देखिए सबसे पहला है ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ। ग्रोथ बहुत है, सक्सेस है, ग्रोथ है। ओ हमारे पास एक और ट्री है, ट्री, वाओ, एक ट्री यहाँ पर है, सक्सेस है, ट्री ऑफ लाइफ यहाँ है, ग्रोथ है, वाओ। हमारे पास है लेटर जेड, लेटर यू, लेटर ई। अब देखिए नाम तो नहीं बन रहा है इससे, बट अगर आपका, हो सकता है आपका नाम स्टार्ट हो रहा हो यू से, आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो रहा हो यू, जेड, ई, कुछ भी हो सकता है, आपकी कंपनी का नाम, आपके बैंड का नाम, वेंचर का नाम, कुछ भी, यू, जेड, ई। ओके, दूसरा है हमारे पास फॉक्स। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई तो बहुत ही चलाक इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा, तो थोड़ा बच के रहिएगा, या फिर यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि क्योंकि आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, बहुत से लोग ना आपको फ्री में काम करवाने की कोशिश करेंगे, या आपको पैसे नहीं देंगे, या बोलेंगे बाद में देता हूँ टाइप करके। तो थोड़ा ना क्लेवरली, चलाकी से चीज़ें करना, मतलब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना आप सीख लो, क्योंकि बिजनेस में ना ये चलाकी वाला जो सेंस है ये आपका एक्टिव होना चाहिए। आप डम्ब रह के बिजनेस नहीं कर पाओगे, सस्टेन ही नहीं हो पाएगा। तो देखो किस से पहले पैसे लेने हैं, पेमेंट शेड्यूल कब रखना है, हाफ एडवांस हाफ बाद में, या हर एक काम की स्टेज के संग इतना पेमेंट मिलता जाएगा, ताकि कोई पागल ना बना सके आपको, ठीक है।
दूसरा है हमारे पास जो सीपियाँ होती हैं ना, शेल बोलते हैं सीपियाँ, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल आइए अपने, ठीक है। जो भी आप अपने शेल में बैठे हुए हैं, जिस वजह से आप अपना ये टैलेंट छुपा के बैठे हुए हैं और दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है यार पसंद नहीं आया, तो भैया आपकी फैमिली की खुशी है यहाँ पे, सेलिब्रेशन है, मेहनत है, आपका ग्रोथ है, आपका गोल है, सक्सेस है, कितनी सारी तो चीज़ें हैं यहाँ पे, न्यू क्रिएटिव आइडिया, सारी चीज़ है। शेल में बैठ के कैसे पता लगेगा आपको कि चीज़ फेल हो रही है? फेलियर आपको कैसे पता कि फेलियर होने वाला है? आप ज्योतिष तो हो नहीं, हो तो बताओ मुझे कि हाँ मैं ज्योतिष हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ में मैं फेल होने वाला हूँ। तीसरा है, तीसरा कह रही हूँ, लास्ट है हमारे पास प्रिंसेस। अब देखिए प्रिंसेस है और क्राउन भी है प्रिंसेस का, तो यहाँ पे मुझे ये वाइब आ रही है कि आपको ना लोग बहुत ही एक दर्जे पे रखना होता है ना, किसी की रिस्पेक्ट करना, उसको अपने से ऊपर रखना, वैसे वाला, लाइक आपको लोग सर और मैम करके बुलाएंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपकी बातें मानेंगे। जैसे प्रिंसेस का होता है ना, प्रिंसेस की तरफ लोगों का प्यार भी होता है, रिस्पेक्ट भी होती है, प्रिंसेस की अथॉरिटी भी होती है, प्रिंसेस को कोई ना नहीं बोलेगा बट उनको प्यार भी करेगा, ऐसा नफरत वाली चीज़ नहीं होती, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव वाली चीज़ होती है। वैसी वाइब मुझे आ रही है आपसे, आपके पार्टनर से और आपके काम से, लोग आपके काम की रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे, सोर मैम वाली फीलिंग होगी, बट डरना नहीं होगा, एज इन कोई डरेगा नहीं आपसे, वैसी वाली कोई वाइब नहीं दिख रही है मुझे। बट मोर और लेस यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाइल थ्री। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय।